उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में एकत्रित महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने तहसील चौराहे पर पहुंचकर जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए सौंपा। आपको बता दें कि इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप व बहन बेटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी अलीगढ़ में एक 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर हत्या कर दी गयी, जो निंदनीय है। वे सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर दोषियों को फांसी की सजा दे तथा नैतिकता के आधार पर प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण पाने में अक्षम होने की स्थिति के कारण सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया जब प्रदेश में अपराधियों को शरण दे रहा है तो फिर अपराध पर लगाम लगाना नामुमकिन है। इसीलिए नैतिकता के आधार पर प्रदेश के मुखिया को खुद को दोषी मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बीजेपी के लोग कुछ भी करवा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों पर तमाम ऐसे अत्याचार इस प्रदेश में हो रहे हैं, जबरदस्ती मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती उन पर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। और जहां जिसका ग्राफ अब 2022 के चुनाव आ रहे हैं, मंत्री जी आगे विधायक बनेंगे 100%, तो बीजेपी के लोग उनको डरा धमका कर, तो फील्ड में वो बहुत रहते हैं, जनता की सुनते हैं, तो यहाँ क्षेत्र में कम से कम आए, इसलिए उनको डराने का काम और इस तरह धमकी देने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और योगी जी को हमारी तो यही की सलाह है कि उन पर ये प्रदेश नहीं संभल रहा, वो राजनीति में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अपने मठ मर जाकर वो जो उनका अपना वो पूजा पाठ का काम था उसको करें, राजनीति से बहुत दूर रहें। क्योंकि नगर अध्यक्ष और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी अलीगढ़ की बेटी है जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, बलात्कार हुआ है, उस बच्ची का परिवार को मदद दी जाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये योगी और मोदी पे सरकार नहीं संभल रही है, महिलाओं की और बेटियों की कोई इज्जत नहीं संभल रही है। मैं यही कहना चाहूँगी कि वे इस्तीफा दे दें। जय जवान जय किसान। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।